उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, साथ ही धारा 427 में 2 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना और धारा 504, 506 में 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित 3 लोगों को धारा 452 के तहत 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना तथा धारा 427, 506, 504 के अंतर्गत 1-1 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये सजा रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट ने सुनाई है। आजम खान को सजा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि ये गंभीर मामला था, लूट का मामला था। कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। इस फैसले से उन लोगों को होश में आना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और बाकी लोगों को, कि सरकार में बैठे बड़े लोगों को खुश करने के लिए पदों का दुरुपयोग किया। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को देखकर कम से कम उन लोगों को होश में आना चाहिए, उन सरकारी अधिकारियों को और बाकी लोगों को कम से कम ये देखना चाहिए कि जो सरकार में उस समय में जो लोग थे, बड़े बड़े पद पर थे, उनको खुश करने के लिए उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया। उसमें आज जो ये परिणाम है वो आपके सामने है। उस समय के जो ये जो CEO था आले हसन, किस तरीके से उसने रामपुर के लोगों पर अत्याचार किया था, किस तरीके के यहाँ के लोगों को बेघर किया था, आज का जो फैसला है वो ये दिखाता है कम से कम ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। आपको बता दें कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से ही कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि इन्हें सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। साल 2019 में भाजपा सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब 1 दर्जन अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।